भारत और पाकिस्तान का मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए हमेशा से ही हाई वोल्टेज रहा है, फिर चाहे वो किसी भी प्रारूप में हो। दूसरे शब्दों में कहें तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हर एक प्रशंसक के लिए किसी जश्न से कम नहीं होता। दुबई में होने वाले एशिया कप में दोनों ही टीमें 28 अगस्त को एक बार फिर आमने सामने होंगी। इससे पहले दोनों देश 24 अक्टूबर 2021 को इसी मैदान पर T20 विश्व कप में खेले थे। उसमें पाकिस्तान को 10 विकेट से जीत मिली थी। एशिया कप की बात करें तो इस बार टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। एशिया कप में अब तक 14 में से 8 मैचों में भारत को जीत मिली है, जबकि पाकिस्तान को केवल 5 बार ही जीत का सौभाग्य मिला है। एक दिलचस्प बात यह है कि एशिया कप में बाद में बैटिंग करने वाली टीम ज़्यादातर जीत हासिल करती है। रिकॉर्ड्स की माने तो भारत ने 8 में से 7 और पाकिस्तान ने 5 में से 3 मैच बाद में बल्लेबाजी करके जीते हैं। इस बार भारतीय टीम रोहित शर्मा की अगुवाई में एशिया कप में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उतरेगी। इससे पहले 2 बार भारत पाकिस्तान को हरा चुका है। दिलचस्प बात यह भी है, आज तक भारत और पाकिस्तान एशिया कप फाइनल नहीं खेले हैं, लेकिन इस बार भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही ग्रुप यानी कि ग्रुप ए में हैं। हर ग्रुप में 4 टीमें होंगी, जिनमें से हर ग्रुप में केवल 2 टीमें ही सुपर 4 में प्रवेश कर पाएंगी। अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो भारत और पाकिस्तान आसानी से सुपर 4 में पहुंच सकते हैं। स्वाभाविक है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला फाइनल में भी हो सकता है। शीर्ष पर रहने वाली 2 टीमें फाइनल में खेलेंगी। इस बार भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमें काफ़ी मजबूत हैं। क्रिकेट प्रेमियों में भारत पाक मैच के लिए जोश और जुनून अभी से देखने को मिल रहा है। इस जानकारी को आप तक पहुंचाया है हमारे साथी मुकेश दक्ष ने। मैं निखिल शुक्ला, नमस्कार।